यार मैं ना बोर हो गया हूं घर के अंदर बैठ बैठ के, दीवारें चुभनी शुरू हो गई या पक चुका हूं, मैं इस पिंजरे में नहीं रह सकता अब। बहुत सारे लोग आज ये लाइंस बोल रहे हैं, बोर हो गया हूं, पक गया हूं, अक गया हूं और नहीं रहा जा रहा। आज आप सबको इन पांचों के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि जब ये पांच लोग लॉकडाउन में थे और हमसे बुरी हालत में थे, ना फोन था ना इंटरनेट था, जब ये पांच अकेले बंद थे तब इन्होंने क्या किया। अगर आज हमने वो जान लिया ना, ये सीख लिया, तो हम जिंदगी भर फायदा ले पाएंगे। जब ये लॉकडाउन खत्म होगा तो अपनी ग्रोथ की स्पीड को बढ़ा पाएंगे। हर इंडियन के लिए, हर हिंदुस्तानी के लिए जानना जरूरी है, सो दैट लॉकडाउन के बाद हम कंट्री को आगे लेके जा पाए। जिस दिन भी आप नेगेटिव हो रहे होगे, बोर हो रहे होगे, उदास हो रहे होगे, आपको घर चुभ रहा होगा, ये वीडियो उस दिन भी आपके काम आएगी और आपको आगे लेके जाएगी। सबसे पहले बात करूंगा उस इंसान की जिसका पर्सनली मैं बहुत बड़ा फैन हूं, शहीद आजम भगत सिंह। 1929 में भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु और सुखदेव, इनको अरेस्ट कर लिया गया और बहुत ही बुरी हालत थी, बहुत ही बुरा खाना खाने को मिल रहा था। ये लोग गए भूख हड़ताल पे और कारण क्या था, 116 दिन की भूख हड़ताल, कारण था, डिमांड क्या थी, डिमांड थी पढ़ने को किताबें चाहिए, न्यूज़पेपर चाहिए और अच्छा खाना चाहिए। आज हम स्टेटस डाल रहे हैं, स्विगी जोमेटो को मिस कर रहे हैं, रेस्टोरेंट के खाने को मिस कर रहे हैं, उनकी फोटोज डाल रहे हैं, उनकी हालत सोचो। और किसके लिए, अपने लिए नहीं, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए। 716 दिन की अरेस्ट में 300 बुक्स पढ़ी, और यह बात शायद आपको ना पता हो कि उनकी फांसी से कुछ टाइम पहले जब उनके लॉयर उनको मिलने आए तो उन्होंने अपनी फेवरेट एक और बुक मंगवाई थी, लेनिन की बुक स्टेट एंड रेवोल्यूशन। जब वो फांसी के लिए तैयार थे, फांसी का वो पल आ चुका था, सामने खड़े थे और हाथ में किताब थी, और जब उनको फांसी दिए जाने वाली थी उन्होंने रोका, उन्होंने कहा रुक, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से बात कर रहा है, लेनिन की बुक पढ़ रहे थे। उन्होंने अपनी वो लाइन जो पढ़ना चाहते थे वो कंप्लीट करी, उसके बाद बोला लेट्स गो ऑन। उस 21-22 साल के लड़के ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में भी रीडिंग कर करके कई लेटर्स लिखी हम लोगों के लिए, इंडिया के लिए, देश की क्रांति के लिए, कई सारी चीजें वो लिख के गए। और एक बात आपको बता दूं, मैं ये बहुत बार कहता हूं कि रीडिंग की इतनी पावर कैसे, आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, बिजनेसमैन बनना चाहते हो, आप 10, 20, 30, 50 बिजनेसमैन के बारे में पढ़ लो, आपका बिजनेस ग्रो करेगा ही करेगा। आप एक टॉप कंपनी बनाना चाहते हो, टॉप कंपनीज के बारे में पढ़ लो, आपकी कंपनी में ग्रोथ आएगी ही आएगी। आप एक डिसिप्लिन इंसान बनना चाहते हो, डिसिप्लिन के बारे में पढ़ लो, आपका डिसिप्लिन इंप्रूव होगा ही होगा। आप इस टाइम को, इस एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में बदलो, रीडिंग करो, तैयार करो खुद को करियर के लिए, फ्यूचर के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए। जब ये टाइम खत्म होगा ना लॉकडाउन का, बहुत मुश्किल इकोनॉमिक टाइम आने वाला है, बहुत सफरिंग्स हो सकती हैं, उस टाइम पे आपकी ये नॉलेज स्पीड देगी आपको, आपके काम को और कंट्री को। यार इनके पास तो फोन नहीं था, इंटरनेट नहीं थी, ये फैसिलिटीज नहीं थी, ये कंफर्ट नहीं थी। आप तो घर में कंफर्ट में बैठे हो, फोन में इंटरनेट लेके बैठे हो, ई बुक्स पढ़ो, यूट्यूब पे कई सारे एजुकेशनल चैनल्स हैं उनको देखो, ऑनलाइन कोर्सेज लो, कुछ भी करो, खुद को बोर मत करो, खुद को मोर करो, मच मोर करो, टाइम का फायदा लो। कर्टिस जेम्स जैक्सन का नाम शायद आपने सुना हो, 50 सेंट के नाम से बहुत फेमस रैपर है। ड्रग्स की वजह से ये जेल के अंदर गए। अब बंदा अंदर जाके नेगेटिव हो सकता है, इरिटेट हो सकता है, रो सकता है, जो ड्रग एडिक्ट है वो बहुत बुरी हालत में जा सकता है। लेकिन उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया, उन्होंने रियलाइज किया कि ये एक टाइम मुझे मिला है खुद को सुधारने का, अपने पैशंस को समझने का। उन्होंने एक जनरल एजुकेशन डेवलपमेंट का डिप्लोमा जेल के अंदर किया, पढ़ाई करी, अपने टैलेंट्स को समझा, देखा कि क्या हुनर है उनके अंदर, क्या वो कर सकते हैं, क्या वो बन सकते हैं, और वहीं पे उन्होंने डिसाइड किया कि मैं एक रैपर बनूंगा, रैपर बनके अपनी जर्नी, अपने एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ शेयर करूंगा। वो कैद में थे, लेकिन उनकी विल पावर कैद में नहीं थी, इसलिए एक बड़े रैपर बने। हम लॉकडाउन में हैं, लेकिन हमारी हिम्मत, हमारा जोश, हमारे हौसले वो लॉकडाउन में नहीं होने चाहिए। फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को कई बार लंबे समय के लिए जेल जाना पड़ा, लेकिन वो जितनी बार जेल जाते थे, बापू कमजोर होने की जगह बापू और स्ट्रांग बनकर बाहर आते थे। उनका जो रिजॉल्व था देश को आजाद कराने का, वो हर बार और मजबूत हो जाता था। आज की डेट में हम फालतू की वीडियोस देख देख कर, फालतू की मूवीज देख देख कर, ताश खेल खेल कर अपने दिन को बिता रहे, क्योंकि हम बाहर देख रहे हैं। हम सिर्फ बाहर देख रहे हैं, बल्कि ये एक अच्छा मौका हो सकता है अंदर देखने, अंदर झांकने का। ऐसा कहना था बापू का, बापू के हिसाब से कैद में रहने के कुछ नुकसान तो है लेकिन कुछ फायदे भी हैं। जब बाहर के दरवाजे बंद होते हैं ना, तो अंदर के कई दरवाजे खुलते हैं।
तो आप भी देखो, वो सोचते थे उस टाइम पे कि खुद को कैसे सुधारा जा सकता है, फ्रीडम के लिए क्या किया जा सकता है, लिबर्टी के लिए क्या किया जा सकता है। आप इस टाइम में सोचो आपकी कौन सी लिमिट्स है जिनको आप टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कैद में आपका शरीर है। आजादी शरीर की रोकी है हमने, आजादी सोचने की नहीं रोकी, आजादी दिमाग की नहीं रोकी। सोचो क्या कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, अपनी प्लानिंग कर सकते हो, पूरा एक गोल लिस्ट बना सकते हो, पूरी प्लानिंग बना सकते हो, ताकि जब लॉकडाउन खत्म हो तो आप एक्शन कर पाओ, तब आपको सोचना ना पड़े। आप देखो कई सारी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, आप सीखेगा इंडिया ऐप में जा सकते हो, वहां से चीजें सीख सकते हो, अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर कर सकते हो। सोचने में सीखने में कोई लॉकडाउन नहीं है। दूरदर्शन पे एक सीरियल आता था भारत एक खोज, जिसमें हमारे महान और खूबसूरत देश की रिच हिस्ट्री के बारे में बताया गया। आपको पता है ये बुक कहां लिखी गई? ये बुक जेल में लिखी गई। इसको किसने लिखा? देश के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। और जब वो जेल में थे उसी टाइम पे वो कई लेटर्स भेजते थे अपनी बेटी इंदिरा गांधी को, जिसमें वो उसको वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बताते थे। उन सारी लेटर्स को भी बाद में कंपाइल करके एक बुक बनी, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। जब वो जेल में थे उसी टाइम उनके कई फैमिली मेंबर्स बीमार हुए, जेल में गए, उनके साथ बुरा सलूक हुआ, लेकिन वो उनको देख भी नहीं सकते थे, वो वहां पे अड़े रहे, डटे रहे। क्या आपका लॉकडाउन इतना बुरा चल रहा है? क्या आपका लॉकडाउन इतना चैलेंजिंग चल रहा है? आपके पास ये टाइम है खुद को कुछ सिखाने का और आगे अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेंबर्स को सिखाने का। मेरा एक दोस्त फिटनेस को, अपने बेटे को फिटनेस सिखा रहा है, उसकी वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे डाल रहा है। बच्चे को कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और बच्चे की एक आदत बन रही है फिटनेस की। आपके पास भी फोन है, आपके पास भी इंटरनेट है, देखो आप क्या कर सकते हो। अगर खुद को डिजिटली अपग्रेड करना चाहते हो, डिजिटल स्किल सीखना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फ्री ट्रेनिंग का लिंक आपको दे रहा हूं, उस पे जाओ, फ्री ट्रेनिंग लो और फायदा लो। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे घरों में आज काम खुद करने पड़ रहे हैं, क्योंकि काम करने वाले भी लॉकडाउन के अंदर है। मैं अभी कुछ देर पहले बर्तन धो के हटाऊं, और हमें ये काम करने भी चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी भी चाहिए। ऐसे एक लड़का 1999 में जेल गया। जेल के अंदर उसको कई सारी ड्यूटी मिली, उसकी ड्यूटी थी किचन के अंदर बर्तन धोने। इस तरह के कई काम करते हुए, अलग अलग चीजें करते करते उसने बहुत सारी रियलाइजेशंस करी। उस बंदे ने कहा, इट इज एट दीज मोमेंट्स, दीज पॉइंट्स ऑफ एक्सेप्टेंस दैट यू रियलाइज ह्यूमन बीइंग्स कैन डू एनीथिंग। उन्होंने कहा कुछ पल हमें जिंदगी में जरूर मिलते हैं जब हमें यह एहसास होता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। वो बंदा रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जिसको आप आयरन मैन के नाम से जानते हो। कई सारी स्किल्स पे फ्री ट्रेनिंग्स मैं आपको दे रहा हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करो, सीखो, फायदा लो। दोस्तों इनकी स्पिरिट से सीखते हुए हम सब के पास हीरो बनने का मौका है। कुछ हीरोज हमारे लिए खतरे में खड़े, वो आर्मी के लोग, वो पुलिस के लोग, वो मेडिकल प्रोफेशनल्स, वो एसेंशियल वर्कर्स जो हमारे लिए बाहर खड़े। ये मौका है हम सब के लिए हीरो बनने का, सीखें और हीरो बने। इकोनॉमी कमजोर हो सकती है, लेकिन हम इतना खुद को अपग्रेड कर लें, इतना मजबूत कर लें इस टाइम पे कि इकोनॉमी को संभाल पाएं, इस इकोनॉमी के लिए हम हीरो बने। वो डेली वर्कर्स, वो डेली वेजर्स, वो दिहाड़ी के मजदूर जो इस वक्त प्रॉब्लम में है, हम अगर कमा पाएंगे, सीख पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, तो उनकी भी हेल्प कर पाएंगे, उनको भी जॉब्स दे पाएंगे, उनको भी उनके लिए डोनेट कर पाएंगे। सो इस टाइम पे इंडिया बोर नहीं होगा, इंडिया घर में बैठ के नेगेटिव नहीं होगा, चिड़चिड़ा नहीं होगा, इस टाइम पे सीखेगा इंडिया। इन पांचों की एग्जांपल दो और बताओ कि ये टाइम नेगेटिव होने का नहीं है, देश को तैयार करने का है। ये टाइम आने वाले टाइम के लिए खुद को प्रिपेयर करने का है, अपनी स्किल को अपग्रेड करने का है, खुद को और मजबूत करने का है, अपने अंदर झांकने का है। अगर हर कोई एक स्ट्रांग इंडिविजुअल बन जाए तो कंट्री स्ट्रांग क्यों नहीं होगी। इस एडवर्सिटी को, इस मुश्किल को अपॉर्चुनिटी में बदलें, मौके में बदलें। मिलकर अब सीखेगा इंडिया। इस वीडियो को जरूर 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 शेयर करना, और कुछ भी सीखो तो हैशटैग सीखेगा इंडिया के साथ उसको पोस्ट करना। मैं और मेरी टीम इन सारी पोस्ट को आगे स्प्रेड करेगी, सो दैट हम कंट्री में एक रेवोल्यूशन ला पाए, इन दिनों को जिंदगी भर नुकसान के दिन नहीं फायदे के दिन बना पाए। सो दोस्तों पॉजिटिव रहो, पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहो, सीखते रहो, घर के अंदर रहो। आई लव यू ऑल। जय हिंद।